इलेक्शन के चैलेंज इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उनको क्या कार्रवाई रही है? अभी चल रही है जी कार्रवाई, अभी केस पे चल रही है। कोर्ट ने भी पूछा है सवाल, उसी साइड की आर्गुमेंट हो रही है, एमएलए पति की आर्गुमेंट होगी तो भी आई थिंक जल्द फैसला सुना देंगे। अली भाई, जिस तरह आप पी टी आई के जो आज़ाद उम्मीदवार की शिकायत है, क्या ये हुकूमत बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। मोबाइल पीछे कहा था मैं कर दूँ। देखिए, मेरी नज़र में तो वो पी टी आई के नॉमिनीज हैं, और अगर आप आईन का आर्टिकल पढ़ें 63A, तो उसमें लिखा हुआ है कि दो किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि कैंडिडेट है पार्टी का, और एक है जो नॉमिनी है। तो हमारे नॉमिनीज तो हैं, वो पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट बना सकते हैं। आपको तो सिंबल नहीं दिया गया, तो फिर वो किस तरह सिंबल तो मामला खत्म हो गया। अब सिंबल में जितना नुकसान पहुंचाना था सिंबल ना होने का, वो पहुंच गया। अब तो फैसला है कि जो कैंडिडेट्स आ गए हैं उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना, उसमें सिंबल का ताल्लुक नहीं है। पीटीआई पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है? देखें, कोशिश तो होगी, और फेडरल में बिल्कुल कोशिश होगी। तो पंजाब में किसको बनाया जाए वो आपको अगर मैं अभी नहीं बताता, मुझे पता है कौन किसको नॉमिनेट करना है, लेकिन पता चल जाएगा जल्द। थोड़ा साहब में तशद्दुद किया, 20-25 बंदे वो चले गए, 15 मिनट में सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन एसपी मॉडल टाउन आके कहता है कि नहीं जी, आप लोग यहाँ से जाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आधे घंटे के लिए चलेंगे फिर वापस आ जाना। हम चले गए, उनकी बात मान ली, कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद हम वापस आते हैं तो हमें उसके बाद आर ओ के दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया गया। पीछे एक बंद कमरे में क्या हुआ, कैसे कंपाइलेशन हुई, कैसे फॉर्म 47 इशू हुआ, 3 दिन से जो तमाशा लगा हुआ है कमिश्नर ऑफिस में, मैंने सुना सारे आर ओ बैठे हुए वहाँ पर, हमारे सारे कैंडिडेट्स जितने भी लाहौर के थे सब सीटें जीते हुए थे, ये इन्होंने धांधली की है। बल्कि वो छोड़े, कराची देखें आप, कराची में सारी सीटें एमक्यूएम के बंदे, जिनके 5-6 हज़ार वोट बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, वो विनर हुए हैं। पूरा इलेक्शन चोरी की है हमारी, 70 से 80 सीटें इन्होंने चोरी की हैं। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर भी बता सकता है अभी मुझे शोर नहीं है, लेकिन पूरा इलेक्शन चोरी की है ये। इस तरह हुकूमत नहीं चल रही, जितना इसका सुपरस्ट्रक्चर जो उसमें बना रहे हैं, जो इमारत खड़ी कर रहे हैं, वो इतनी वीक है, इसी तरह गिरेगी जिस तरह ये हुकूमत बन रही है। और हम इस धांधली के खिलाफ पूरा एहतजाज करेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, और हम देखते हैं ये किस तरह हुकूमत करते हैं, क्योंकि हम अपना जो हमारा हक चोरी हुआ है उस पर खामोश नहीं बैठेंगे। हम बिल्कुल पूरी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को हम इस पर कॉन्टैक्ट में हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। ये जो इलेक्शन पूरा चोरी किया है इन्होंने, इन्होंने क्या किया नहीं किया, इन्होंने आपसे बैड सिंबल लिया, इन्होंने आपके सारे वाइस चेयरमैन, चेयरमैन प्रेसिडेंट पंजाब को जेल में डाला हुआ है, कितने आपके इन्होंने लोगों को गलत केसेस में, 9th में भी गलत इन्वॉल्व करके उन सारों को बंद किया है। उसके अलावा आप सिंबल चला गया, आपको कैंपेन नहीं करने दी, सिर्फ 2-3 हलकों में कैंपेन हुई है पूरे पाकिस्तान में, सारा कुछ उन्होंने कर लिया आपके साथ, लेकिन फिर भी ये देखें आवाम निकली है तो उनके सारे प्लान जितने धांधली के थे, ये तो सोच के बैठे थे कि 60-70 सीटें होंगी, 10 पे धांधली करके 50 सीटें देंगे, उनको चुकर के बैठा देंगे। आवाम निकली है वहाँ पे, आवाम ने तो आपको 70-80 सीटों पे लीड दे दी, जब इतनी लीड आ गई तो इनको समझ नहीं आई हमने तो प्लानिंग कुछ और की थी। तो जब इन्होंने जल्दबाजी में ये सारी प्लानिंग की, और उसका जब इन्होंने इसको कोशिश की कि अब इसको किस तरह केटर करते, जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप गलतियाँ करते हैं। अब इन्होंने भी इतनी गलतियाँ कर ली, सबको नज़र आ रही है, इवन कौन से मीडिया चैनल जो PMLN नवाज शरीफ साहब को, मतलब काफी उनका नैरेटिव उनके साथ चलता है, मुस्लिम लीग नून की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर आजम जी उनसे भी लड़ रहे हैं मीडिया चैनल से नून लीग वाले, क्योंकि आज सारे जर्नलिस्ट को नजर आ गया कि इस मुल्क में इलेक्शन एक तो चोरी होती है ना, एक डाका होता है, ये डाका मारे उन्होंने 70 से 80 सीटों के ऊपर। इस वजह से ये हुकूमत जो भी बन रही है, देखिए मैं तो गवाह हूँ ना, जो हमारे साथ NA 128 में हुआ, बाकी हलकों में भी ये सारा कुछ हुआ। इस वजह से कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे, हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और ये हुकूमत जिस तरह बनी है इसी तरह ये हुकूमत फारिग होगी अगर बनती है तो। मुस्लिम लीग नून के सैनेटर आदम अजीज दारा इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, कितनी बड़ी बदनीयती है ये इलेक्शन कमीशन की कि जिस पार्टी के खिलाफ, जिस उम्मीदवार के खिलाफ, जिस जमात के उम्मीदवार के खिलाफ केस आ रहा है, उसी जमात का कारकुन, उसी जमात का सैनेटर जो है वो अदालत में रिप्रेजेंट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। देखें, आजम अली तारड़ साहब तो मेरे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, बल्कि मेरे बड़े भाइयों की तरह। क्या उन्हें खुद नहीं पीछे हटाना चाहिए से भी है? नहीं, देखें वो उनका फेल है, उनसे आप ये सवाल पूछे। देखिए, वकील को कोई इंगेज करे, मेरा मानना है वो अगर वकील इतराज नहीं करे, जब पार्टी को पार्टी, देखिए वकील को तो कोई भी पार्टी वकील करे तो वो उसका राइट है, वो उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है।
हाँ, इलेक्शन कमीशन का ये पिछले डेढ़ साल से जो भी शेवर आया, जिस तरह वो कंडक्ट कर रहा है, वो तो सबके सामने मेलाफ आईडी है, किसी सही तरीके से तो काम नहीं किया। सर ये बताइए, वसीम कादर को लाना किसकी गलती थी? यार मुझे नहीं पता वसीम कादर साहब, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर किसने टिकट से छूटी है, ठीक है, क्योंकि मैं इन टिकट्स वगैरह के इशू में नहीं था, ना मैं इन्वॉल्व था, मैं तो पाकिस्तान। वसीम कादर ने पहले हलफ भी दिया था, तो क्या उस हलफ की बेस पर वो नहल हो सकते हैं? ये अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इस पर अभी हमारी लीगल कमेटी इस पर हम देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगी। लेकिन उससे जो बड़ी बात है ना, उसको ना उसने जिसके नाम का वोट लिया और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो उसने नैरेटिव दिया था, अब वो उसका जो सबसे बड़ा उसने जवाब देना ना, सबसे बड़ी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम करेगी जिसको उसने वोट लिया। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी उसकी वहीं पर होगी।